फ्रेंड्स, ये देख रहे हैं खूबसूरत फूल कितने खूबसूरत हैं। क्या आपको पता है सदाबहार को उगाना कितना आसान है? बस ऐसे आपको उसको दो तरीके से उगा सकते हैं, एक्चुअली तीन तरीके से। एक, इसकी कटिंग से, जो सुपर्ब इजी है उगाना। दूसरा, ये देख रहे हैं ये बीज, इसके अंदर बीज आते हैं बहुत सुंदर सुंदर। तो ये देखिए, ये रहे बीज, आपको इन बीजों को कलेक्ट करना है कुछ इस तरीके से। तो हम थोड़े और कलेक्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये रहे हमारे बीज जिसे हमने तोड़ लिए हैं। और ये देखिए फ्रेंड्स कि अपने आप टूट कर गिर गए हैं। तो अगर ये गमले में गिरे होते तो ये अपने आप ही ग्रो हो जाते। तो चलिए हम इनको पहले कलेक्ट कर लेते हैं और फिर हम इनको गमले में डाल के बोएंगे। तो ये देखिए हमारे बीज फ्रेंड्स, हम इनको इस तरह से निकाल लेंगे। इनको ये वाले सही से नहीं पके थे और ये वाले देखते हैं, ये काले काले नहीं लग रहे हैं, ये सही से नहीं पके थे। जब ये काले हो जाते हैं तब ये हार्वेस्ट करने के लिए रेडी हो जाते हैं। अगर आप इन्हें हार्वेस्ट नहीं करेंगे तो ये अपने आप ही झड़कर गिर जाएंगे। गमले में गिरे तो ये आपको प्लांट देंगे और गमले के बाहर गिरे तो ये वेस्ट हो जाएंगे। तो ये देखिए, हमने बीज निकाल लिए, ये देखिए, ये हैं सदाबहार के बीज। देखे हैं आपने पहले कभी? अब हम इनको ग्रो कर देंगे। हम इसी गमले में कर देंगे क्योंकि इसमें बहुत जगह खाली है। जिस गमले में, जिस पॉट में पहले से सदाबहार लगा हुआ है, इसी में हम इनको उगा देंगे। फ्रेंड्स, ये वाला जो सदाबहार है, इसकी एक छोटी सी कटिंग लेके आई थी फ्रेंड्स मैं, और आज देखिए कितने सारे जो हैं इसके, ये कितना बड़ा पौधा बन गया है और कितने सारे जो है इसमें फूल आ रहे हैं, बीज भी आ रहे हैं, दोनों चीज़ हो रही हैं। तो फ्रेंड्स, अब बस ऐसे मिक्स कर देंगे। और कर देंगे थोड़ी सी वाटरिंग। और हफ्ते दो हफ्ते में इसमें से बीज निकल जाएंगे और वो पौधे बन जाएंगे और उन पौधों से भी फूल आएंगे। तो देखा आपने, बीज से पौधे उगाना कितना आसान है, सदाबहार के पौधों को उगाना कितना आसान है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये अब बीज उग गए हैं, बट अभी ये बहुत छोटे हैं, अभी इनको ग्रो होने में थोड़ा टाइम। और बीज उगने के बाद फ्रेंड्स, आपके इतने छोटे छोटे प्लांट्स इस तरह से बन जाएंगे। ये मैंने पहले बीज डाले थे तो ये उसी के प्लांट बन गए हैं। इसी तरीके से आपको और भी बीज मिल जाएंगे।